top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. आप लोग जो है इस तरफ आ जाइए, उनको हम इस तरफ खड़ा करेंगे। हाँ सर, ग्रुप में खड़ा एक बार फिर भी बता दिया सर। सर 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 आप बढ़ जाओ सर, आप बढ़ जाएगा। उसमें आप नहीं आए, केवल कमांडो रहेंगे, बाकी लोग नहीं। पास में हेलो, एक सेकंड बस, एक सेकंड अरे ऊपर देख लो भाई, आगे नहीं, एक मिनट देखिए, ऊपर कर ले, ऊपर देख लेना, उनको क्या दिक्कत आ रही है। एक बार देख लो यार, ऊपर वो नेताजी चलो गया। अरे सुनो, बाकी आम आम आदमी ना, चलो पीछे लेना होगा कैमरा, पीछे ले जाओ ना। अरे क्यों हिल रहा है यार सर, स्टील काउंटिंग कर लेना भाई, छोड़ दो क्या आज की ये मीडिया वार्ता इसलिए आयोजित की गई है कि यूपी एटीएस द्वारा कुछ नक्सलवादियों को गिरफ्तार किया गया है नोएडा से और चंदौली से। इनके संबंध में जितनी जानकारी अभी तक हम लोग को प्राप्त हुई है, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। इसमें एक सूचना मिली थी नोएडा पुलिस को, एसएसपी नोएडा साहब को। एक जागरूक नागरिक ने ये बताया कि हिंडन विहार में एक फ्लैट है, उसने उसका एड्रेस दिया और वहां पे उनको शक है कि कोई गलत गतिविधि हो रही है, कुछ संदिग्ध लोग वहां पे रुके हुए हैं। इस टिप ऑफ को एसएसपी नोएडा श्री धर्मेंद्र साहब ने शेयर किया आईटीएस के साथ में और इसको पिछले कुछ सप्ताह से हम लोगों ने डेवलप किया। लोकल सर्वेलेंस रखी गई और फोन की सर्वेलेंस रखी गई तो पाया गया कि ये एक ग्रुप है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में नक्सलवादी गतिविधियों में सक्रिय है, पूर्व में रहा है और अभी भी है, और ये नोएडा में एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने यहाँ पे दो मकान किराए पे ले रखे थे, उसके अलावा एक इन्होंने छोटी सी दुकान किराए पे ले रखी थी जिसमें कि सतही तौर पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना दिखता था, लेकिन वो एक केवल आड़ थी अपने नक्सलवादी गतिविधियों को यहां बढ़ाने के लिए। कल शाम को दबिश दी गई इंडियन विहार के इस फ्लैट में और वहां से हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारियां की हैं और उसके बाद में देर रात को, बल्कि अर्ली मॉर्निंग को, इनकी सूचना पर एक और स्थान है सदरपुर में, वहां पे दबिश दी गई जहां से तीन और गिरफ्तारियां हुई और इनके पास से एक्सप्लोजिव्स और डेटोनेटर्स भी बरामद हुए थे। फर्दर जो सूचनाएं मिली उसके आधार पर चंदौली में सुबह प्रातःकाल दबिश दी गई थाना सैयद राधा क्षेत्र में और वहां से एक और नक्सली जो कि इस ग्रुप का जितनी हमको भी जानकारी है सरगना है, उसका नाम सुनील रविदास है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक इंसास राइफल और दो अन्य राइफलें बरामद की गई हैं और लगभग 550 कारतूस बरामद हुए हैं। जो इंसास राइफल है ये प्रतीत होता है कि किसी फोर्स से लूटी गई होगी या छीनी गई होगी, इसके नंबर आदि उपलब्ध हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जानकारी कर सकें कि ये किस घटना से संबंधित है। जी तो क्या एनसीआर में किसी बड़ी वारदात मैं अभी
जो लोग गिरफ्तार हैं इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। नोएडा से जो कल गिरफ्तारी हुई थी उसमें मुख्य अभियुक्त रंजीत पासवान है। रंजीत पासवान पीपल्स वॉर ग्रुप नाम का नक्सली संगठन बिहार में पहले एक्टिव था, उसका एरिया कमांडर रहा है और ये सासाराम भभुआ क्षेत्र में एक्टिव था। 2003 में ये इस संगठन का पीडब्ल्यूडी का सदस्य बना और इसने एसएलआर राइफल कार्बाइन आदि की ट्रेनिंग की, एक्सप्लोजिव्स को इस्तेमाल करने की, बम बनाने की इसने विधि सीखी और प्रयोग किया। उसके बाद में ये 2004 में इसको गिरफ्तार किया गया और इसको 9 साल की सजा हुई नक्सली प्रकरण में। 2012 में ये जेल से बाहर आया और जेल से बाहर आते ही गायब हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, ये घर पे कभी नहीं रहा और दोबारा ये नक्सली गतिविधियों में शामिल हो गया। अब जैसा मैंने बताया कल इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ में ये सारी बातें कन्फर्म हुई है। ये चीज फोन सर्वेलेंस से भी स्पष्ट हुई और कल रात से जो पूछताछ चल रही है उससे भी स्पष्ट हुई कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी बिहार में इनको उतने संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं लूट अपहरण के जरिए, जिससे कि ये अपने गतिविधियों को जारी रख सके। इसलिए उन्होंने ये विचार बनाया कि हम लोग एनसीआर की ओर बढ़ते हैं, नोएडा में चल के बेस बनाते हैं और यहां पे बैंक लूट, एटीएम की लूट, फिरौती के लिए अपहरण और भाड़े पे हत्या करना, इन गतिविधियों को करेंगे। ये चीज स्पष्ट रूप से इसकी एविडेंस हम लोग को मिली और इसी पे हम लोगों ने विकसित किया। हम लोग बहुत चिंतित थे और एक हमारे पास ये भी सूचना थी जो कि बड़ी राइफल लेकर के भी नोएडा में आने वाले हैं और यहां पे कोई घटना होगी, किंतु जो परिस्थितियां थी उस पर हम लोग को लगा कि अब इसमें इंतजार नहीं करना चाहिए, जो इंटेलिजेंस हमारे पास है, हमारे पास साक्ष्य भी पर्याप्त है और कल रात को ये गिरफ्तारियां फिर की गई और सौभाग्य से जिस बड़े असलहे को लाने की बात थी नोएडा में वो भी हम लोग पकड़ने में सफल रहे आज सुबह चंदौली में सुबह की दबिश के दौरान।